नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ज्ञान गंगोत्री का प्रारंभ हुआ है, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा का जो ज्ञान है उसका मूल आधार वेदों को माना गया है, और वेद अगर हमारी समझ में नहीं आते हैं तो हमें पुराणों की कथाओं के माध्यम से उसको समझना चाहिए, उसके मूल तक जानना चाहिए। इसलिए अब हमने पुराणों का परिचय प्रारंभ किया है, फिर पुराणों की गंगा में भी अवगाहन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले महर्षि वेदव्यास की स्तुति करते हैं। जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास्य कमल गलितम वांग्मय अमृतम जगत पिबति। देखिए, ये तो बिल्कुल ही सत्य है कि अगर वेदव्यास ना हुए होते तो चारों वेदों को इस प्रकार से संकलित करना, उनका विव्यास करना, जिसलिए वो वेदव्यास कहे गए, और पुराण साहित्य का इस प्रकार से संकलन और हमारे सम्मुख उसका प्रस्तुतिकरण, ये किसी और के बस का काम तो नहीं ही था। चलिए, आज का पुराण है भविष्य पुराण। पुराणों के महिमा के लिए कहते हैं, योगो सतम कनक श्रृंगमयम ददाति विप्राय वेद विदुषे च बहुश्रुताय पुण्याम भविष्य सुकथाम श्रृणुयात समग्राम पुण्यम समम भवति तस्य चैव। भैया, 100 गायों का दान, वो भी कैसी गाय जिनके सींग सोने से मढ़े हुए हों, ऐसी 100 गायों का दान करने की आपकी इच्छा हो तो सुपात्र मिलना चाहिए। श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को ऐसी 100 गायों का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, देखिए, सुपात्र को दिया गया दान वो आपको परम कल्याण की प्राप्ति करवाता है। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के दान का वर्णन है। आप कभी जाकर के वहां वीडियो सुनिए हमारे, तो आपको पता चलेगा। दान के 3 प्रकार हैं, सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान। जिस दान को करके आपको इस प्रकार की अनुभूति हो कि मैं सौभाग्यशाली हूं जो मुझे ये दान करने का अवसर मिला, तो उस दान को सात्विक दान समझिएगा। जिस दान को करने के बाद आपको इस प्रकार की अनुभूति हो कि भैया हमने दान किया है और भगवान इसका फल हमें अवश्य प्रदान करेगा, जहां फल की कामना आ जाए वहां उस दान को राजसी दान समझिएगा। और जिस दान को करते समय आपके मन में ऐसी इच्छा आ जाए कि मैंने दान करके सामने वाले का भला कर दिया है, उस दान को तामसी दान कहा गया है। इसीलिए जब आप किसी भिखारी को भीख देते हैं तो आपके मन में यह आता है जैसे कि आप उसका बहुत बड़ा भला कर रहे हैं, और वहां आपका दान तामसी दान बन जाया करता है। हमारे यहां ब्रह्मचारी जब भिक्षावृत्ति के लिए आता था आपके दरवाजे पे, तो आप उसकी प्रतीक्षा करते थे कि आज हमारे दरवाजे पे एक वटुक एक ब्रह्मचारी अगर दान लेने आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। उस भिक्षा की हमारे यहां बड़ा महत्व था। जिस समय एक ब्रह्मचारी बालक आकर के कहता था, माताम भिक्षाम देही या भवती भिक्षाम देही, तो उस समय उस गृहस्थ का जीवन धन्य हो जाया करता था। तो भैया, हमारे यहां इस प्रकार की भिक्षा को तो महत्व है। अगर आप श्रेष्ठ व्यक्ति को दान नहीं करते हैं, योग्य पात्र को दान नहीं करते हैं, तो आपका दान किसी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी को किया हुआ दान, जो सिर्फ आप अपने स्वार्थ के लिए करते हैं कि अगर मैं इसको दान दूंगा तो मेरा ये भला हो जाएगा, वो राजसी दान हो सकता है, वो सात्विक दान नहीं हो सकता है।
तो जब आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को 100 गाय का दान करते हैं, उससे जिस फल की प्राप्ति होती है, पुण्याम भविष्य सुकथाम श्रुणया, जो इस भविष्य पुराण की सुंदर कथा को सुनते हैं उनको उसी फल की प्राप्ति होती है। तो भैया इस भविष्य पुराण का परिचय हम प्रारंभ करते हैं। भारतीय परंपरा में जो प्रमुख 18 महापुराण हैं, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि उसमें कुछ पुराण सात्विक पुराण माने गए हैं और उसमें इस भविष्य पुराण का भी उल्लेख पाया जाता है। ये वास्तव में भविष्य पुराण है क्योंकि इसमें प्राचीन काल से लेके अर्वाचीन काल तक के राजाओं का और वंशावली का वर्णन मिल जाता है। फिर चाहे वो ब्रह्मा से उत्पन्न वंश हो और उस वंशानुचरितम का वर्णन करते करते औरंगजेब तक चले आए हैं, मिलिच्छों का शासन, आदम हुआ की कथा, ईसा मसीह की कथा, सब कुछ इसके अंदर पाई जाती है। कहा जाता है कि इसमें 50,000 श्लोक हुआ करते थे, लेकिन आज जो भविष्य पुराण उपलब्ध है उसमें 28,000 श्लोक मिलते हैं। बाकी श्लोक कहां गए ये कहना कठिन है, लेकिन पुराणों में जो भविष्य पुराण का उल्लेख मिलता है उसमें 14,000 श्लोकों का ही उल्लेख मिलता है। यानी मूल भविष्य पुराण जो था उसमें 14,000 श्लोक ही थे। तो आप कहेंगे भी 28,000 कहां से आ गए? तो जैसे विष्णु पुराण में विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जो विष्णु पुराण के अतिरिक्त एक अन्य पुराण माना जाता है, उसका मिश्रण कर दिया गया और विष्णु पुराण के श्लोकों की संख्या बढ़ गई, उसी प्रकार से भविष्य पुराण में पाए जाने वाले 14,000 श्लोक, जब इसमें भविष्योत्तर पुराण मिल गया तो 28,000 श्लोक वाला ये भविष्य पुराण बन गया। भविष्योत्तर पुराण जो इसका उत्तर पर्व है वही प्रतीत होता है, क्योंकि इतने अर्वाचीन राजाओं का वर्णन, भाई भले भविष्य पुराण इसका नाम हो लेकिन आज के 50 साल बाद, आज के 200 साल बाद भारतवर्ष में कौन राजा होगा और उसका व्यवहार क्या होगा, ये पहले ही भविष्यवाणी करना और नाम के साथ करना ये कठिन है। देखिए भविष्यवाणियां किस प्रकार से हुआ करती हैं। अगर भविष्यवाणियां होती हैं कि कोई शूद्र राजा होगा, कोई वैष्णव राजा होगा, कोई ब्राह्मण राजा होगा, उसके काल में इस प्रकार का विधान होगा, नाम के साथ कभी भी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। लेकिन यहां तो नाम के साथ वर्णन है, इसका मतलब है कि ये उसके बाद इसमें अंश जोड़े गए हैं। चलिए अब इसके विषय पे आते हैं। अधिकांश पुराण हम जानते हैं या तो विष्णु भगवान की कथाओं को लेकर के हैं या शिव की कथाओं को लेकर के हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश पुराण या तो वैष्णव हैं या शैव हैं, लेकिन ये पुराण जो है वो सौर पुराण है। ये सूर्य की महिमा की स्थापना करता है, सूर्य नारायण को ही पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में स्थापित करता है। वैसे हमारी संस्कृति में सूर्य प्रत्यक्ष देव है, यानी विष्णु के कभी आपने दर्शन किए नहीं किए आप जाने, शिव के आपने दर्शन किए नहीं किए आप जाने, मंदिर में गए शिवलिंग पे जल चढ़ा के आ जाएं वो अलग बात है, आप मंदिर में जाके विष्णु भगवान के दर्शन करके आ जाएं वो अलग बात है, लेकिन सूर्य देव की तरह इनमें से कोई भी अन्य इतना प्रत्यक्ष देव नहीं है। हमारी संस्कृति में 5 देवों में इनकी गणना होती है, प्रातःकाल, मध्यान्हकाल, सायंकाल, त्रिकाल संध्या करके ब्राह्मणों के द्वारा इनको अर्घ प्रदान करने की पद्धति का वर्णन है। ये रोग शोक संताप इन सब के निवारक हैं। ये इतने प्रत्यक्ष देव हैं,
जो प्रत्यक्ष रह करके हमें कर्म प्रवृत्त भी करते हैं, हमें कर्म निवृत्त भी करते हैं, हमारे रोगों वगैरह का निदान भी करते हैं। बहुत सारे विटामिन इनके दर्शन मात्र से हमें प्राप्त होते हैं। तो उन सब बातों का वर्णन है। भगवान सूर्य की महिमा का इतना विस्तार से वर्णन है कि उन्हीं को परब्रह्म परमात्मा कहा गया। वही इस जगत के सृष्टा, पालनकर्ता और संहारक हैं। इस रूप में यहां पे सूर्य नारायण का अद्भुत वर्णन है, उनके वंश का वर्णन है कि किस प्रकार से सूर्य का विवाह हुआ और उनकी पत्नी जो है उनके तेज को सहन ना कर सकें, इसलिए थोड़े समय में ही अपनी छाया को वहां छोड़ करके वो चली जाती हैं। और फिर किस प्रकार से सूर्य के वंश में कौन कौन उनके पुत्र हुए, कौन उनकी पुत्रियां हुई, वो सारी चीजें यहाँ विस्तार से बताई गई हैं। यहाँ पे सूर्य से संबंधित सूर्य नमस्कार हो, सूर्य प्रदक्षिणा हो, सूर्य को कैसे दीपदान किया जाए, उनकी पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए, सभी बातों का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है। यहां तक कि सूर्य की रथ यात्रा का भी वर्णन किया गया है। श्राद्ध कल्प के वर्णन के बाद नाग पंचमी की व्रत कथा है और इसमें नाग के वंशों का वर्णन किया गया है। यहां पे चिकित्सा पद्धति, यानी अगर सर्प ने किसी को काट लिया है तो उसकी चिकित्सा क्या होनी चाहिए, उन सब बातों का भी वर्णन है। व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, व्यक्ति कितना भी महान हो, व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन अगर उसके आचरण में शुद्धता नहीं है तो भाई उसकी सारी सिद्धियां, सारी समृद्धियां निकृष्ट हैं, बेकार हैं, ऐसा स्पष्ट भविष्य पुराण कहता है। सृष्टि के सात ऊर्ध्व और सात अधो, यानी भूर्भुवा स्वः वगैरह ऊर्ध्व लोकों का वर्णन, और अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल वगैरह सात जो हमारे पाताल लोक हैं उनका वर्णन भविष्य पुराण का जो पहला पर्व है ब्राह्म पर्व वहां पे किया गया है। इसी में कौन से ऐसे 26 दोष हैं जिनके कारण मनुष्य को नरक की भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, उनका भी वर्णन किया गया है। श्रद्धा और भक्ति से अगर कोई पुराणों की कथा सुनता है तो ब्रह्म हत्या के पाप से भी उसको मुक्ति मिल जाती है, इस कथा का भी यहां पे उल्लेख है। इसी ब्राह्म पर्व में पूजा पद्धति के अलावा कुआ है, पोखर है, तालाब है, बावड़ी है, इन सबको खुदवाने का क्या उसकी पद्धति है, क्या उसका फल है, वृक्षों का बाग अगर आप लगाते हैं तो उसका क्या फल है, अगर आप मंदिर देवालय धर्मशाला बनवाते हैं तो उसका क्या फल है, इन सभी चीजों का वर्णन किया गया है। गुरुजनों की सेवा करने से, यज्ञ यागादि अगर आपको करना है अपने कर्तव्य के पालन के साथ साथ ही आपको उनको करना चाहिए। अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और यज्ञ यागादि के विधान में लगते हैं तो वो आपके लिए लाभदायी नहीं होते हैं। घर में अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं तो वो 8 अंगुल से अधिक नाप नहीं उसका होना चाहिए, इस बात का उल्लेख पाया जाता है। हमें अगर अपने घर का वास्तु बनाना है तो उसका विधि विधान, गृह वास्तु किस प्रकार का होना चाहिए, वो सारी ये जो व्यावहारिक चीजें हैं उन सबका भी वर्णन यहाँ पे पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के संतान नहीं है तो निसंतान व्यक्ति को चाहिए कि वो वृक्ष को अपना पुत्र माने। हमारे यहां तो जिनके यहां संतान है उनने भी वृक्षों को अपनी संतान बनाया है। कालिदास रघुवंश में लिखते हैं, अमुम पुरः पश्यसि देवदारुम पुत्री कृतोसौ वृषभध्वजेन। अरे महाराज दिलीप, आप सम्मुख में जो इस देवदारु के वृक्ष को देख रहे हैं ना, इसको स्वयं भगवान शिव ने अपना पुत्र बनाया है। माता पार्वती ने अपने हाथ में
कलश लेकर के जब इसको जल पिलाया है तो स्वामी कार्तिकेय ने जो माता के स्तन से दूध पान किया है ना, उसी प्रकार से माता के हाथ से घड़े से जल पी करके ये वृक्ष बड़ा हुआ है। देखिए कल्पनाएं देखिए, हमारे यहां वृक्षों का इतना महत्व था। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में एक अभियान चलाया है, एक वृक्ष माता के नाम। चलिए हम आप भी जुड़े। देखिए वराह पुराण में भी इसका उल्लेख था, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, और भविष्य पुराण भी इस बात को कहता है। यानी अगर आप वृक्ष का आरोपण करते हैं, वृक्ष को लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको अपनी संतान मान लेते हैं, तो जैसे संतान आपका श्राद्ध करके परलोक में आपको मुक्ति दिलाता है, उसी प्रकार से एक वृक्ष जो है वो आपके इस लौकिक लोक से लेके पारलौकिक सभी प्रकार के कर्मों के लिए पर्याप्त पुण्य प्रदान करता है। कितनी अच्छी बात यहां पे कही गई है। वैसे भी आपने वो गीत तो सुना होगा, जीते लकड़ी मरते लकड़ी अजब तमाशा लकड़ी का। भाई हमारे जीवन में हम पैदा होते हैं तब से लेकर के और मृत्यु जब हमारी होती है तब तक इस लकड़ी की हमें जरूरत हमेशा रहती है। भैया एक एक चीज में तो हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम एक वृक्ष भी नहीं लगाते हैं, अपने जीवन काल में हम कम से कम 10 वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, उनको हम समाप्त कर देते हैं, तो एक वृक्ष तो लगाइए। अरे भैया आपको अपने लिए नहीं लगाना है तो अपनी माता के नाम पे लगाइए, ये बड़ा ही जरूरी है। अगर आप संगोत्री विवाह करते हैं तो उसके परिणाम क्या हैं? आपको संगोत्री विवाह नहीं करने चाहिए। एक विशेष बात कहते हैं, यह हमारी संस्कृति को बताता है। क्रौंच पक्षी है, मयूर है, वृषभ है, सिंह है, कपि हैं, आप घर से निकलते हैं, ये वृक्ष पे भी दिखाई दे जाएं तो आपको इनको प्रणाम करना चाहिए। देखिए हमने बहुत से लोगों को देखा है, बाइक चलाते चलाते जा रहे हैं, कोई मंदिर दिख जाएगा, कोई मजार दिख जाएगी तो उसकी तरफ झुक करके अपना, भाई अगर मजार पे करते हैं तो सजदे ही करते होंगे, मंदिर के सामने हम कह सकते हैं उसको प्रणाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहां तो पक्षियों को भी, प्राणियों को भी अगर उनके दर्शन हो जाएं तो उनको प्रणाम करना चाहिए, इसका उल्लेख यहां पाया जाता है। भविष्य पुराण का पहला जो भाग है, मैंने कहा उसका नाम था ब्राह्म पर्व, और उसमें बहुत सारी बातों का वर्णन हुआ है। इसके बाद इसका जो द्वितीय भाग है उसका नाम है मध्यम पर्व, और फिर आता है प्रतिसर्ग पर्व। इसके 4 खंड पाए जाते हैं अपने पुराणों में, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, वहां से राजाओं का वर्णन जो शुरू होता है। मैंने आपसे कहा था कि वास्तव में ये भविष्य पुराण इसलिए सिद्ध होता है कि वहां से लेकर के, और ये मान लीजिए कि अर्वाचीन काल तक के राजाओं का वर्णन इसमें पाया जाता है। अलग अलग इसके जो खंड हैं उनमें अलग अलग प्रकार के वर्णनों का यहाँ पे समायोजन किया गया है। साथ में म्लेच्छ वंश का जन्म कैसे हुआ, यानी आदम और हव्वा की कथा जो कुरान में पाई जाती है, और फिर कलयुग शुरू होने के कितने समय के बाद विक्रमादित्य का जन्म हुआ, फिर विक्रमादित्य और विक्रम बेताल की कथाएं, जिसमें से बहुत सारी कथाएं बेताल 25 में पाई जाती हैं, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जो बहुत ही प्रचलित है हमारे यहाँ कि कलिकाल में अगर व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, तो बोले सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए, तो वो कथा भी इसी में आती है। इसमें दुर्गा सप्तशती की महिमा का वर्णन है। देखिए एक बात तो सत्य है,
ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ये संसार चाहे जितना इसका वर्णन कर लो लेकिन यहां कुछ है नहीं, ये सिर्फ माया जाल है। अब ऐसे में एक बार की बात है कि नारद मुनि को भगवान की इस माया के ऊपर, ये माया क्या है ये जानने की इच्छा हो गई। श्वेत द्वीप में नारद मुनि जब भगवान के दर्शन करते हैं और उनकी माया को जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो नारद जी के साथ भगवान जम्बू द्वीप आकर के पहुंच जाते हैं। एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, विदिशा नगरी में जाकर के पहुंच गए। एक वैश्य अपने व्यापार में कुशल, खेती करता है, सब कुछ करता है, उसके दरवाजे पे पहुंचे जाकर के। उसने बड़ा प्रणाम किया, पूजा सत्कार किया और भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको वरदान दिया कि भाई तुम्हारी समृद्धि ऐसे ही बढ़ती रहे, तुम्हारी संतति ऐसे ही वृद्धि पाए, आप खूब फलो फूलो। भगवान वहां रुकते नहीं है, उस वैश्य के यहां से भगवान आगे प्रस्थान करते हैं और एक ब्राह्मण के यहां जाकर के पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, गोस्वामी ब्राह्मण है, आज आपके यहां निवास दे दो। उस ब्राह्मण ने कहा कि हमारा सौभाग्य कि आप हमारे यहां पधारे, आइए। नारद मुनि साथ में है, दोनों को रुकने के लिए स्थान बनाता है, बड़े मनोयोग से अतिथि देवो भव की तरह दोनों की सेवा शुश्रूषा करता है। और जब सुबह भगवान वहां से प्रस्थान करने लगते हैं तो उसको आशीर्वाद देते हैं कि भाई तेरी धन संपत्ति नष्ट हो जाए, तेरी जो संतति है वो भी नष्ट हो जाए। हम नारद मुनि बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये क्या प्रभु, उस वैश्य ने कुछ नहीं किया आपके लिए, खाली आपको प्रणाम और पूजा की और आपने उसको इतना आशीर्वाद दिया, और ये ब्राह्मण कल से आज तक इसने कितनी सेवा शुश्रूषा की है आपकी प्रभु, और आपको आप इसको वरदान दे रहे हो, शाप दे रहे हो। भगवान ने कहा कि तुम्हें जो समझ में आए, वास्तव में मैंने उस वैश्य को जो दिया वो वरदान नहीं था, वरदान तो यही है। अब नारद जी कहते हैं ये कैसे प्रभु, आपने उससे कहा कि धन संपत्ति समृद्धि संतति सब में अभिवृद्धि हो और यहां कह रहे हैं सब नष्ट हो जाए। तब भगवान कहते हैं हे नारद, जब तक ये सब कुछ व्यक्ति के पास रहता है ना, रिद्धि सिद्धि समृद्धि संतति, तब तक वो इस संसार के जगत जाल में घूमता रहता है। इस ब्राह्मण ने जब मेरी सेवा कर दी तो अब इसको संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। अब समझिए भैया, अगर आप भविष्य पुराण की कथा सुनते हैं तो ही आप इस चीज को समझ पाएंगे कि भगवान जब हमें कुछ देता है तब आप मानते हैं कि उसने बहुत बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि वो जब हमारे पास से लेता है वास्तविक कृपा तब करता है, तब समझिएगा कि आप वास्तव में इस ज्ञान गंगा के प्रवाह में गोते लगा करके ज्ञानी बन के बाहर आए। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं यहां पाई जाएंगी, ये कथा भी अधूरी ही है, जब भविष्य पुराण में हम जाएंगे तब इस कथा को पूरा सुनेंगे, मैंने तो इसका एक ही भाग सुनाया है। भगवान नारद मुनि को अपनी माया के दर्शन करा रहे हैं, तो इस पूरी कथा को सुनने के लिए जब भविष्य पुराण को हम सुनेंगे तब इसको देखेंगे। यहाँ शिव पार्वती के विवाह का भी वर्णन है, मैंने आपसे कहा कि बाबर हुमायूं अकबर शहजहां जहांगीर औरंगजेब इन सब का वर्णन, शिवाजी, यहाँ तक कि विक्टोरिया के शासन का भी, उसकी पार्लियामेंट का भी वर्णन इस भविष्य पुराण में पाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इसका उत्तर भाग है वो भविष्योत्तर पुराण है और ये सारी चीजें उसी में पाई जाती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम जो भविष्य पुराण का एक श्रेष्ठ वाक्य है उसके साथ इसको पूर्ण करते हैं।
देखिए इस संसार में स्थूल सूक्ष्म अति सूक्ष्म ऐसे बहुत प्रकार के पाप हैं। एक वही नारद और विष्णु संवाद में जब उनको माया देखनी है तो उसमें एक वाक्य आता है कि भैया हजारों मछली पकड़ने वाला मछुआरा जब समुद्र से मछली पकड़ के लाता है ना तो वो जितने पाप करता है जब एक किसान एक खेत जोतता है तो उसमें भी उतने ही जीवों की हत्या होती है और उसको भी उतना ही पाप लगता है। अब आप बताइए किसान अगर कृषि कर रहा है तो उसमें पाप लग रहा है उसको, लेकिन चूंकि वो अन्न का दान करता है लोगों का भरण पोषण करता है इसलिए वो पाप उसका पाप की कक्षा में नहीं आता है। भविष्य पुराण कहता है विश्व के सभी देशों में यह देश सबसे उत्तम है। वो प्राणी अत्यंत श्रेष्ठ है पुण्यवान है जिसका जन्म भारतवर्ष में हुआ है। इसलिए अगर भारतवर्ष में आपका जन्म हो गया है तो आपको अपने कल्याण की कामना करनी चाहिए, पाप कर्म नहीं करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।